हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव पावरफुल सीड्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपके घुटनों और जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाता है, आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है और आपके कार्टिलेज को सुरक्षित रखने का काम करता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये पावरफुल सीड्स आपको एनर्जी बूस्टर की तरह भी काम करता है। ये आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, यानी कि जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है उनके लिए काफी अच्छा सीड्स है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग कमजोरी थकान की समस्या से परेशान रहते हैं, अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव सीड्स है। बस इसे प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस इफेक्टिव सीड्स के बारे में और इसका प्रयोग आपको किस किस तरीके से करना है, किन बीमारियों को दूर करने के लिए, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जिस इफेक्टिव और पावरफुल सीड्स के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है व्हाइट सेसमी, यानी कि सफेद तिल। फ्रेंड्स, सफेद तिल को कैल्शियम का भंडार माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम इतना भरपूर मात्रा में पाया जाता है जितना कि किसी और चीजों में नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर आपको कैल्शियम की कमी हो गई है आपके शरीर में, जिसकी वजह से अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में ये सफेद तिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को बहुत जल्दी पूरी करता है, जिससे आपके घुटनों में और जोड़ों में दर्द नहीं होता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी से होने वाले जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों से आपको छुटकारा दिलाता है अगर आप सफेद तिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग करने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी जल्दी से दूर होगी, इसलिए कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस इसे प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो मैं इसको प्रयोग करने का आपको तीन तरीका बताऊंगी, जिससे आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसका पहला प्रयोग करने का तरीका है फ्रेंड्स कि सफेद तिल का प्रयोग आपको दूध के साथ करना है। फ्रेंड्स, दूध में भी कैल्शियम होता है आप सभी जानते हैं, और सफेद तिल में भी कैल्शियम होता है, लेकिन अगर इन दोनों का प्रयोग आप एक साथ करेंगे तो सोने पर सुहागे जैसा काम करेगा। तो जिन लोगों को घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है, अनिद्रा की समस्या रहती है, उनको सफेद तिल का प्रयोग दूध के साथ करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच सफेद तिल को एक कटोरी पानी में भिगो के रख देना है, और रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको एक गिलास गरम दूध लेना है और भिगोए हुए सफेद तिल को आपको छान लेना है और इस दूध में डाल के मिक्स करके फिर आपको इसे पी लेना है और सो जाना है। इससे आपके ज्वाइंट पेन की समस्या से छुटकारा मिलेगी, हड्डियां मजबूत बनेगी, हड्डियों से कटकट की आवाज नहीं आएगी और आपको अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और कमजोरी थकान की समस्या में भी आपको काफी राहत मिलेगा। लेकिन आपको कभी भी कच्चे फॉर्म में सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चे फॉर्म में यूज करने से आपको पेट से जुड़ी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे इस सफेद तिल में जो है फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपकी कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपको पहले तरीके में दूध के साथ करना है। दूसरा तरीका है कि आप सफेद तिल का प्रयोग पानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको रात को एक गिलास पानी लेना है, इसमें एक चम्मच सफेद तिल को भिगो कर रात भर के लिए छोड़ देना है। अगले दिन सुबह में आपको इस पानी को हल्का सा गर्म करना है, उसके बाद सफेद तिल को छानकर आपको सफेद तिल को चबा चबा कर खा लेना है, और इस पानी को जब गुनगुना रहे तभी आपको प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग आपको डेली सुबह में खाली पेट करना है। ये प्रयोग इस तरीके से प्रयोग वो लोग करेंगे जिनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है या वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस तरीके से सफेद तिल के पानी का प्रयोग करने से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है और इसके वजह से आपका हार्ट भी स्वस्थ रहता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं होते हैं और यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है, अगर आप इस तरीके से भिगोए हुए सफेद तिल के पानी का प्रयोग सुबह में करते हैं। तो इसका तीसरा तरीका फ्रेंड्स कि आपको सफेद तिल के पाउडर का प्रयोग दूध के साथ करना है। इसके लिए आपको सफेद तिल ले लेना है और इसे हल्का सा रोस्ट करना है और फिर इसे पीस कर पाउडर फॉर्म में यूज करना है, यानी कि आप ज्यादा मात्रा में भी इसका पाउडर बनाकर और एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब भी प्रयोग करना हो प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसका पाउडर तैयार कर लेना है और डेली रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में एक चम्मच इसके पाउडर को डालना है, मिक्स करना है और फिर इसे आधा घंटा पहले सोने से
पीकर और सो जाना है। इससे आपकी याददाश्त शक्ति इम्प्रूव होगी, आपको अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलेगा और कमजोरी थकान की जो समस्या आपके शरीर में बनी रहती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको इस तरीके से सफेद तिल का पाउडर दूध के साथ प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं, इससे उनकी याददाश्त शक्ति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको सफेद तिल का 3 तरीके से प्रयोग करने का तरीका बताया है, तो आप इसमें से कोई भी तरीका अपनाइए। अगर आप जॉइंट पेन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, कमजोरी थकान और अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इसका प्रयोग दूध के साथ ही कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल और सस्ता सीड्स है जो कि सबको आसानी से मिल सकता है, तो आप सफेद तिल को लाइए और इसका प्रयोग कीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।